हट जा तू हट कर अगे रोड जी भी उन्हें लामे रहा आवाज बात है ना निकलता एगो डिब्बा ले ना डिब्बा इसको जूम इन कर दे क्या भैया जूम इन कर अभी हां जी ठीक उधर ही घुसा हुआ ऊपर में ही पूरा हटाना वो सड़क के नीचे चला गया ना खाली ध्यान रखिएगा उधर कोना से भागे हो जाएगा ना हाँ हो जाएगा हेलो 10-20 रुपया पड़ेगा हाँ हाँ भैया हाँ बहुत बड़ा चाची लेके आवा ना लेके आवा ना अरे पानी निकाले बालू लाए थे बुलाइए ना कोई बच्चा को बैठा उधर कर दे चूर हो जाए हां एक आदमी को बैठा उधर कर दीजिए थोड़ा सा वो डर के जाइयो यार नहीं नहीं हम यहां पे हैं आप लोग यहां से हटा लीजिए और अब और भैया दिखा नीचे में देखिए देखा ना हां हां ऊपर फटाया है ऊपर और का लौका था वो का लौका हां दिख रहा सांप अभी ना लोग रुका ना बाहर है अरे बाप डरना नहीं धर लिए कितना भयानक सांप ये नर सांप जी आप डरिए ना आप मेरे साथ नहीं नहीं आपका वीडियो ही बना रहे हैं भैया हम भागा जा थोड़ी हम वाह बहु वीडियो अपन ना बने लहो वो दे दिया हमरा के भेज दिया आप इधर आ दे वाह आप इधर आइए हां हां दान बाप रे बाप आप ये से ना आ रहा हटा जा ये डब्बा दीजिए लोग जाना तो बाबू हमें आ जाइए ना हां हां देख बाबू अब क्या आ देखा केचुर बा नाक बने केचुर आ देखा पोछ के झरल बा अरे भैया हटा ना दादा सती अंडा हम कटवा पानी का बाबू जरूर आते हैं कोई पकड़े वाला ठंड में कटवाई सी बाप ही बाप देखिएगा भैया गाय भड़क जाएगी ना ना उसका कोई दिख नहीं और देखा और दो बेर के चुल से ना देखा दो बेर के चुल एक बार हम देखो ना भाजी है जो बहुत अभी बहुत काले बाबा भागा ऊपर अरे हटा हुआ
अभी कुछ ओ सापे पकड़ल बड़ले बन हला धला ना ना जड़ी नहीं को सांप पकड़ल बन के जड़ी बटे ओइसन कुछ नहीं कर ऐसा बुलुआ के दुकान में राशन के दुकान में अपन जगह बना लीजो हाँ पीयूष इनके पास जाओ तो छोटे भाई के पास आके डिब्बा तो ले आओ तो उनको पैसा हम दे देंगे लेकिन आपको छोटा भैया और बाबा बोलू भैया छोड़ दो बोल दो साफ नहीं निकलेगा तो नहीं मरेगा हो सब कर देंगे भैया उसमें भी छेद करिए बाबा हूँ मैं खतरनाक है जहर निकाले क्या पकड़ के सब पालन करते करते जंगल में छोड़ देते हैं मोबाइल में देखते हैं देखिए ये सांप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाग गोहमन इसका नाम इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा है ठीक है ना और ये बहुत ही जहरीला है अगर किन्हीं को काट ले तो बचना मुश्किल है अगर किन्हीं को काटता है तो आप पहला प्राथमिकता दीजिए कि आप अस्पताल जाइए एकदम झाड़ फूक के चक्कर में रहिएगा तो जान से हाथ धो दीजिए पहले चीर करके कुछ खून निकाल ना ना कुछ नहीं करना है आप थोड़ा सा बहान दीजिए जहाँ काटा है उसके ऊपर बहानिए अच्छा। उसके बाद अपना जो भी पेशेंट है उसको अस्पताल लेके जाइए समझे हमारे यहाँ मात्र तीन ही जहरीला सांप है एक गोहमन हो गया एक करैत हो गया और एक रसल वाइपर सांप यही तीन है पूरे साहेबगंज में रसल वाइपर उसको बहुत कुछ चंद्र बोड़ा बोलते हैं देखने में अजगर के जैसा लगता है लेकिन वो अजगर नहीं होता है ठीक है ना और अगर उसको छेड़िएगा तो कुकर के जैसा सीटी मारेगा आवाज काला रंग का होता है कुकर के जैसा सीटी मारेगा उसको छेड़िएगा ना खतरा महसूस करेगा पूरा मोटा हूँ पूरा मोटा लगेगा अजगर है लेकिन वो अजगर सांप नहीं होता ठीक है ना सबसे खतरा यही है।